यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। भले एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन इतना तो मानना है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया है। 80 सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत ने जहां राहुल और अखिलेश की धाक जमा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का डंके की चोट पर कहना है कि यूपी ने देश में बदलाव का संकेत साफ दे दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं नहीं बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही यूपी में जबरदस्त प्रचार और तैयारियों के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से हार गए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे मोटे तौर पर 7 वजहें मानी जा रही हैं। 7 वजहों से पलटा यूपी का गेम। नंबर 1, यूपी में कांग्रेस एसपी को गठबंधन का फायदा मिला। नंबर 2, दोनों दलों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। नंबर 3, बीएसपी का कोर वोट भी इंडिया को मिला। नंबर 4, राहुल अखिलेश की संयुक्त रैलियों का असर हुआ। नंबर 5, साइलेंट वोटरों को समझने में बीजेपी से चूक हुई। नंबर 6, अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ। नंबर 7, चुनाव में कांग्रेस एसपी का तालमेल नजर आया। की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यूपी में एसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत को अखिलेश यादव के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। अखिलेश की इस जीत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे का भी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, उसका असर नीचे तक जाता दिख रहा है। बीएसपी के वोटर्स भी इंडिया अलायंस के साथ जाते दिखे। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। है
हैरानी की बात तो ये है कि यूपी में राम मंदिर का फायदा भी बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन फैजाबाद से लेकर अमेठी तक यूपी के बड़े चेहरे एसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ढेर हो गए। जरा देखिए बीजेपी के कौन कौन से धाकड़ चेहरे यूपी में चुनाव हार चुके हैं। यूपी में बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी हार चुके हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहन लालगंज से हारे हैं, जबकि फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। और यूपी में जिस तरह का रिजल्ट आया है उसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। यूपी में बीजेपी के न सिर्फ मिशन 80 को धक्का लगा बल्कि अब की बार 400 पार का नारा भी दूर की कौड़ी साबित हुआ। बीजेपी जहां अपने दम पर 272 सीटें लाने में नाकाम रही, वहीं यूपी में 40 से ज्यादा सीटें गंवा दी। आइए देखते हैं इस रिजल्ट के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं। एनडीए को बहुमत, कम हुई सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए बहुमत से आगे है, लेकिन अपने दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। नतीजों में इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी है। एनडीए के सहयोगी दल चुनाव से पहले के अपने वादों पर कायम रहते हैं तो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। खिचड़ी सरकार होने से किसी सहयोगी दल को कितना फायदा मिलेगा ये भी जल्द साफ हो जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता इस बात को लेकर श्योर है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। यूपी में कांग्रेस एसपी ने दिया झटका। अगर यूपी में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के मायने की बात करें तो बीजेपी के मिशन 80 को बड़ा झटका लगा है। 2014 और 2019 वाले प्रदर्शन से भी बीजेपी कोसों दूर रह गई। बीजेपी के लिए यूपी में इन नतीजों के मायने साफ हैं कि वो वोटर्स का मूड समझने में नाकाम रही। बीजेपी के मिशन 80 पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया। बीजेपी 2019 में अपनी जीती हुई सीटें भी बचाने में नाकाम रही। बीजेपी का 400 पार के नारे में सबसे बड़ा रोल यूपी की 80 सीटों का था, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों की माने तो उसे यहां करीब 35 से 40 सीटों का नुकसान हुआ। यूपी में कांग्रेस एसपी ने दिया झटका। यूपी में मिली कामयाबी का बड़ा क्रेडिट एसपी मुखिया अखिलेश यादव को जाता है। एसपी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को भी यूपी में बड़ी कामयाबी मिली है। मायावती के कैंडिडेट ने बिगाड़ा खेल। यूपी में बीजेपी का काम खराब होने में कई कारण जिम्मेदार रहे। आमतौर पर विपक्ष बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए के कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। पश्चिम यूपी में मेरठ में देवव्रत त्यागी, मुजफ्फरनगर से तारा सिंह प्रजापति, खीरी सीट से बीएसपी का पंजाबी प्रत्याशी, घोसी में बीएसपी कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान ने खेल बिगाड़ा। इतना ही नहीं, बीएसपी ने कई और सीटों पर भी खेल बिगाड़ा। चंदौली में बीएसपी उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य
बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रनाथ पांडे के लिए खतरा बने। मिर्जापुर में बीएसपी के मनीष त्रिपाठी ने अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ाई। प्रदेश में 24 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी कैंडिडेट के वोट बीएसपी कैंडिडेट के चलते कम हुए। अखिलेश ने कैंडिडेट देने में दिखाई सूझबूझ। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात को लेकर काफी आलोचना हो रही थी कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, लेकिन नतीजे देखें तो अखिलेश ने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद पर दांव खेला। मेरठ संसदीय सीट से टीवी के राम अरुण गोविल के खिलाफ एससी कैंडिडेट खड़ा किया। मेरठ में अखिलेश ने मुस्लिम कैंडिडेट की जगह एससी कैंडिडेट पर दांव खेला। घोसी से भी एसपी ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय को टिकट दिया। भूमिहार बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, लेकिन उन्होंने भी राजीव राय को ज्यादा करीबी माना। मिर्जापुर से एसपी के उम्मीदवार राजेंद्र एसपिन एक बड़े कारोबारी हैं। चंदौली से भी एसपी ने टक्कर देने वाला प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह उतारा। एग्जिट पोल आ रहे थे, वो एग्जिट पोल जनता के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल थे, और आज जो आज आ रहे हैं खुल कर करके वो जनता का एग्जिट पोल है। यूपी सीएम को हटाने की अफवाह से नुकसान। यूपी में क्षत्रियों में नाराजगी की भी बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, इसके बाद गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। इस बीच ये अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। बीजेपी के लिए नतीजों के मायने। अब की बार 400 पार के नारे की बुनियाद यूपी की 80 सीटों पर आधारित थी। ऐसे में यूपी में उलटफेर के क्या मायने हैं, इन्हें जान लेते हैं। महंगा पड़ा पुराने चेहरों पर दाव। कांग्रेस एसपी गठबंधन को हल्के में लिया। ओबीसी और दलित वोट ने पहुंचाई चोट। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला सफल। बीएसपी का वोट बैंक एसपी की तरफ शिफ्ट। बीजेपी का पसमांदा प्लान सफल नहीं हुआ। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उलट पड़ा। चुनावी सभा से गायब रहे स्थानीय मुद्दे। सहयोगी दल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। काम की जगह मोदी के नाम पर वोट मांगे। राम मंदिर के मुद्दे पर ज्यादा निर्भर रहे। यूपी में बीजेपी अपना 2014 और 2019 का भी प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। ऐसे में यूपी में इतनी सीटों के नुकसान पर बीजेपी को आत्मचिंतन करना होगा। हालांकि एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि मोदी सरकार में लोगों का भरोसा अभी भी कायम है। न्यूज 18 के लिए